अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चुटकुले टीवी। आज की जो वीडियो है, मैं लेकर आई हूँ अजवाइन के पत्तों के फ़ायदे। अजवाइन के बीज अगर हम पानी के साथ भी पिएं उसके भी फ़ायदे हैं, और पत्तों के जो फ्रेश इस तरह के पत्ते होते हैं जो कि हमने अपने फार्म हाउस में उगाए हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्लियरली। अगर ये खाया करें ना हम लोग, तो इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। घर में आप लोग ये उगा सकते हैं किसी भी गमले वगैरह में, इस तरह की शक्ल होती है। आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। हमने इस तरह से उगा लिया है और रोज़ हम रात को सोने से पहले ये खाकर सोते हैं। तो अभी भी मैं इसे खाऊंगी, जबकि अभी तो रात नहीं है, सुबह कभी भी खा सकते हैं, मसला नहीं है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, अम्मी को, नानी को, सबको। 2-3 पत्ते खा सकते हैं या फिर 3-4 ग्राम पत्ते खा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये पत्ते नहीं है तो अजवाइन जो बीज होते हैं उसको पानी में डालकर उस तरह से भी पिया जा सकता है। अब इसके फ़ायदे जानते हैं। हाँ जी, तो अजवाइन चाहे वो पत्ते हों या फिर बीज, क्लींजर का काम करते हैं, मतली, उल्टी, इस सब से निजात दिलाते हैं। सर में दर्द रहता है, सर का दर्द भी ये दूर करता है। माइग्रेन है या कैसा भी सर का दर्द है, इसको ये दूर करता है। सीना जल रहा होता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि मतलब खाने के बाद या फिर वैसी सीना हार्ट बर्न जिसे बोलते हैं, उसको भी ठीक करता है। गले में दर्द है, इन्फेक्शन है, उसको भी ये ठीक करता है। किसी भी किस्म का दर्द गले में हो जाता है ना, उसको ये ठीक करता है। कफ, कोल्ड, बुखार वगैरह के लिए, पुराने ज़माने में बुखार या नज़ला ज़ुकाम, गले दर्द को ठीक करने के लिए ना यही अजवाइन के पत्ते यूज़ करते हैं। मतलब बहुत पुराना ये टोटका है लोगों का। अच्छा, दूसरी चीज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस रहती है उसके लिए भी ये बेहतरीन है। जो इरीटेशन हो जाती है ना स्किन पर, खुजली के निशान हो या फिर वैसी जो है निशान पड़ जाते हैं या एलर्जी हो जाती है स्किन पर, उसको ये दूर करता है। मुंह की बदबू को भी ये पत्ते और अजवाइन दूर करते हैं। सलाइवा, ये जो सोते वक्त अक्सर लोगों का होता है ना, थूक निकल रहा होता है बाहर, उससे परेशान है, कितने लोगों ने बोला है कि बताओ ऐसे कुछ जिससे ये चीज़ ये मसला ना हो, चाहे बूढ़े हो ही सबका, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके साथ हो जाता है मसला। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही अजवाइन के पत्ते। किसी किस्म के भी जो है तेजाबियत, पेट का जो भी मसला है, जैसे भी दर्द वर्द कुछ भी है ना, उसको भी ये ठीक करते हैं। माहवारी से पहले तकलीफ होती हो या माहवारी के दौरान तकलीफ होती हो, तो उस अमल से, तकलीफ से निजात मिल जाएगी, मतलब इन्हीं पत्तों से। ऐसे ही बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन कौन ये यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं खा सकते, कौन ये सुन लें। हामला लेडी नहीं खा सकती, ठीक है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, अल्लाह बचाए। इसके अलावा जो मदर फीड करा रही हैं, अभी न्यू उनका बेबी पैदा हुआ है, 2 साल का, 3 साल, जब तक पीता है तब तक वो ये पत्ते नहीं खा सकती। इसके अलावा वो जिनकी सर्जरी होने वाली है, जैसे आप 1 महीना पहले ये पत्ते खाना छोड़ दें अगर आपकी सर्जरी करीब है, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अगर आप ये पत्ते खा लेंगे तो जब आपकी सर्जरी होगी ना, तो जब वो स्टिचिंग की जाएगी तो वो खून रुकेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो स्टिचिंग का फ़ायदा नहीं होगा, उसको फटके जो है सारा खून बाहर आएगा, तो इतना ख़तरनाक है। इसलिए जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, सर्जरी के बाद भी जब ठीक हो जाएं बिल्कुल, उसके बाद खाना स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारी बातों का ख़ास ख्याल रखना। तो यहाँ होता है वीडियो का एंड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मा सलामा।